मैम एक बार सामने इधर कमलेश्वर बी शर्मा सामने देखो जी सुनीता देखिए जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी वंचित ना रहे सोशल सिक्योरिटी स्कीम से, और वो हर साल इतनी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, भले वो इंश्योरेंस की स्कीम्स हों, भले वो फार्मर्स के लिए हों, वो ना ही सिर्फ वैसे अनाउंस की जाती हैं लेकिन उन्हें बजट में भी उनके बारे में बहुत देखरेख होती है। तो मेरे ख्याल से ये हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस पिछले साल कर दिया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे और बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था कि हम पेंशन बढ़ाकर डबल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को 500 रुपए में कुछ होता नहीं, एक थोड़ी सी अपनी इज्जत ढकने के लिए भी थोड़े पैसे और चाहिए होते हैं। आजकल सब महंगाई का ज़माना है, जैसे जैसे साल गुजरते हैं, तो उसको हमने 1000 कर दिया था। मैं निशु जी का धन्यवाद करूंगी कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि क्या है कि प्रशासनिक शहर है ये, और जो भी काम होता है हमको ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही करना होता है, वो ही उसको डिस्पर्स करते हैं। हमारी गवर्नमेंट तो स्कीम लागू कर देती, उसको आगे लोगों तक कितनी जल्दी कितने अच्छे तरीके से पहुँचाया जाए ताकि लोग उससे महरूम ना रह जाए, उसमें ब्यूरोक्रेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। और कुछ ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, जो कि निशु जी कर रही हैं, मैं इनको बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द होल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़। और एटीएम कार्ड्स आज इशू किए गए हैं कुछ लोगों को, एज सबको दिए जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से इस लाइक शुरुआत है, तो मेरे ख्याल से उससे वो खुद अपनी पेंशन विदड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली, और उन्हें कहीं भी जाने की, लाइनों में खड़े होने की, मारा मारी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आसान हम दिव्यांगों के लिए और अपने वृद्ध लोगों के लिए और अपने विडोज़ और लेडीज़ के लिए जितना भी हम इसको चीज़ को आसान कर सकते हैं ज़िंदगी को रहना, तो तभी मकसद है किसी भी सरकार का इस देश में होना, नहीं तो और बाकी सारी चीजें टेक अ बैक सीट। सबसे पहले